11 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने निरसा प्रखंड कार्यालय के समक्ष सोमवार को एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान भारत की कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता और मौजूद वक्ताओं ने कहा कि मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों का शोषण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोडिंग पार्ट में रंगदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1993 में हमारे यहाँ पर एक डीसी आए हुए थे सुधीर कुमार जी, और वो डीसी साहब ने जब यहाँ का हक अधिकार छीना जा रहा था घरिया में, कपड़ास में, बागमारा में, धनबाद में, निरसा में मजदूर का हक अधिकार को छीना जा रहा था, उसने पूरे जिला के अंदर में जहाँ जहाँ मजदूर काम करते हैं उसका हक अधिकार के लिए सामने आया, और हर प्रखंड में, हर टोला में, हर ऐसे ऐसे कोलियरी में खुद मीटिंग करके वैसे गलत लोगों को जो गलत तरीका से मजदूर का हक छीनने का काम कर रहा था उसको हक दिलाने का काम किया, और उसके साथ ही इसको एक आइडेंटिफिकेशन बना दिया। इसका मजदूर वर्ग का एसी लेबर, डीसी लेबर के नाम पर हम सारे लोग जानते हैं पूरे जिला के अंदर, इसको एक सर्टिफिकेट भी देने का काम किया है। लेकिन यहाँ तक बात है, आज स्कोप है, लेकिन इस स्कोप का फायदा विश्व के लोग लेने का काम कर रहे हैं, यही बात सच्चाई है साथ। हमारे कुछ छोटे बड़े इस क्षेत्र में कोयला का बिजनेस करने वाले भी लोग हैं, जो डीओ धारक जिसको बोला जाता है, उसने अपना पैसा लगा के अपना जो ई ऑक्शन होता है कोल इंडिया के अंदर में, उसको ऑक्शन उठाने का काम, कोयला उठाने का काम करते हैं। उसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम जो रेट प्राइस होता है, उसके बाद जब ट्रक लोडिंग की बात आता है तो उस लेबर ट्रक लोडिंग के नाम पर 450 से 500 रुपया ले लेने का काम करता है। वहीं पर हमारा जो मजदूर है वो ट्रक लोडिंग जो कराने का काम करता है, ट्रक लोडिंग जो करता है उसको मात्र 160 रुपया 70 रुपया मिलता है सर। ये कितना बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, जिस राजनीतिक दल के लोग, जिस यूनियन के लोग पूरे निरसा में आस्था और प्रतिष्ठा रखता था, माफिया भगाने का बात करता था, मजदूर को हक अधिकार दिलाने का बात करता था, वो आज सही में मजदूर की हक छीनने का काम कर रहा है, यहाँ के हकदार को छीनने का काम कर रहा है। हम बार बार ये कहना चाहते हैं ऐसे मजदूर वर्ग जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप आश्वस्त रहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर बात रखने का काम किया है, हमारे लेबर मिनिस्टर साहब से भी, श्रम मंत्री से भी हमने इस विषय पर बात करके रखने का काम किया। आज दिन के दिन में आज हम लोग एक मेमोरेंडम देने का काम, हमारे सीओ का वीडियो को देने का काम करेंगे। हो सके आने वाला समय में 5 दिन 7 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है, हो सके हमारा आंदोलन धीमी हो सकता है चुनाव के कारण, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपके पास चुनाव आचार संहिता खत्म जैसे ही खत्म होता था, हम सारे लोग राजनीतिक दल के लोग आपके साथ मोर्चाबंदी करके आपका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। सर आपने देखा होगा हमारा वर्तमान सरकार में जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के गरीब दलित और पीड़ित के लोगों के लिए, इसका हक अधिकार के लिए ऐसा ऐसा योजना बनाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये दिखाई नहीं दिया, और किसी तरीके से कैसे कैसे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है उसका विरोध में योजना बनाया, चाहे दिल्ली का सरकार के नाम पर हो, चाहे बंगाल में पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे बिहार में बात हो, आपने देखा किस तरीका से इसको तोड़ने का काम कर रहा है। आपने हाल में उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का आपने देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जिसका दल का विधायक कम था उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट अगर 8-9 पड़ जाता है, निश्चित किसी न किसी रूप में आपने माल प्रैक्टिस करने का काम किया है और हमारा अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। ये खेला आज के दिन में जारी है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, झारखंड जो सरकार चल रही है आज हमें हेमंत सोरेन को जेल में जरूर डाला है, लेकिन दूसरा हेमंत सोरेन को भी खड़ा करके रखने का भी काम झारखंड में यहाँ के MLA लोग और यहाँ के दल के लोग ने करने का काम किया है। आप मजदूर वर्ग से मेरा कहना है, आप निश्चित रहिए, किसी भी तरीका से आप हिलडोल मत कीजिए, आपका हक हर अधिकार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का करेंगे और आपका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मैं जा रहा हूँ, कुछ कुछ समय में ऐसा ऐसा मजबूरी है आपके लिए, आप परेशान जरूर होते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो वर्तमान सरकार चल रही है उस आपका जो लड़ाई का हक की बात है, जिस तरीका से हमारा सरकार ने दूसरी
यहाँ के दलित पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए जो काम करने जा रहा है उसी में आप भी आ रहे हैं, मजदूर वर्ग भी आ रहे हैं। आपका लड़ाई सीधी सरकार आपके लिए करेगी, ये मैं गारंटी के साथ मैं आपको विषय बताना चाहता हूँ। खास करके हमारे यहाँ के जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है मैं उनसे भी मैं बताना चाहता हूँ, आप भी निश्चित रहिए, आप धैर्य के साथ रहिए। निश्चित रूप से आपके लोडिंग के नाम पर जो 400-500 रुपए छीनने का काम आपसे कर रहा है और आपको गाड़ी रोकने का काम कर रहा है, तो इसका भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैंने उदाहरण स्वरूप आज के दिन में हंसने की बात आता है, जिस राजनीतिक दल ने 25 साल एक परिवार के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, पानी बिजली सड़क के लिए लड़ाई नहीं किया, लेकिन कोयला का दो नंबरी करने के लिए पैसा तसीलने के लिए आपका खुदिया कोलियरी में धरना प्रदर्शन बैठा है। इसका क्या कारण है? जो कोलियरी के क्षेत्र में जो हमारे अगल बगल के गांव है वहाँ पानी देना होगा, बिजली देना होगा, सड़क बनाने का जरूरत है। तो ये 25 साल ने किया क्या? 25 साल निश्चित रूप से परिवार के लोग को अगर सत्ता का प्रतिनिधित्व करने में मौका मिलता है तो इसका मतलब है 25 साल के अंदर में ये कुछ नहीं काम किया, यही सही बात है साथी, यही दर्शाने का काम करता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये लोगों के बीच में दिग्भ्रमित, हमारे गांव के ऐसे साथियों को बीच में दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। मैं ऐसे गांव के लोगों को से मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना दिन दिग्भ्रमित हुए हैं और इस सब बात पर दिग्भ्रमित होने का काम मत कीजिए, वो आपको सामने ला के अपना अधिकार कबूल लेना चाहता है, आप समझ के भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग से भी हमें सावधान होने का जरूरत है साथी। इससे अधिक नहीं करते हुए तमाम साथियों को, मौजूद साथियों को, भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा के बीच नेतागण को, ये कार्यकर्ता बंधु को मैं बताना चाहता हूँ, हम सारे लोग आपके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, झारखंड श्रमिक संघ के साथ आपके साथ रहेंगे और आपका लड़ाई को कंधे पर कंधे लगाकर लड़ने का काम करेंगे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों का शोषण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोडिंग पार्ट में रंगदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।